सभी 16 जनपदों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की मंशा के साथ स्वयं धनानंद तक्षशिला की ओर युद्ध करने के लिए आ रहा है। गत 5 वर्ष से इसी क्षण की प्रतीक्षा की है मैंने आचार्य, आज धनानंद का स्वयं यहाँ आना नियति का संकेत है। अब समय आ गया आचार्य कि हमारी क्रांति की अग्नि पुनः एक बार प्रचंड ज्वाला बनकर भड़के, ऐसी ज्वाला जिसमें हमारी मातृभूमि के सभी शत्रु जलकर भस्म हो जाए। सबके मन में जो ये सर्वश्रेष्ठ होने की लालसा है ना, अब मैं उसी लालसा को तुम्हारे विनाश का कारण बनाऊंगा। महिम, शत्रु भरसक प्रयास कर रहे प्रतिरोध लगाने के लिए, वो देखिए शत्रुओं का एक सैनिक भारी मात्रा में हमारे सैनिकों का संहार कर रहा है। साधारण सैनिक और एक योद्धा में अंतर देखते ही समझ जाता हूं मैं महामात्य। ये कोई साधारण सैनिक नहीं है, धनानंद के विषय में आचार्य का अनुमान बिल्कुल सही था। वो जितना स्वार्थी कल था उतना आज भी है। युद्ध में यदि धनानंद के भाइयों या सेना नायकों के प्राणों पर कोई संकट आया, उससे मगधपति का हृदय द्रवित नहीं होगा। उसका इस युद्ध भूमि में यदि किसी से संबंध है तो केवल युद्ध में विजय से। पूरे संसार में उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो उसका अहंकार। यदि धनानंद को युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए उतारना है तो सीधे उसके अहम को चोट पहुंचानी होगी। धनानंद के अहंकार को तोड़ने का केवल एक माध्यम है आचार्य, मगध के सम्मान पर प्रहार। और मगध के सम्मान का प्रतीक है मगध का ये ध्वज।
आगे बढ़ो, आक्रमण। एक बार यदि धनानंद के अहम को चोट पहुंच गई तो फिर वो स्वयं को युद्ध भूमि में आने से रोक नहीं पाएगा, और यदि धनानंद युद्ध भूमि में उतर गया तो सेल्यूकस भी स्वयं को रोक नहीं पाएगा। इसी पल का तो मुझे इंतजार था। आज मैं तुमसे अपनी सारी बेइज्जती का बदला लूंगा और ये साबित कर दूंगा कि इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए मैं तुमसे कहीं ज्यादा काबिल हूं। धनानंद, जैसा आपने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है आचार्य। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, पहले हमें इन दोनों को आपस में लड़ने देना है। आज अपनी रुसवाई का इंतकाम लूंगा तुमसे धनानंद, और मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़ा अपमान का बोझ और बढ़ा दूंगा। सेल्यूकस, क्या हुआ? यवन की माटी के शेर ने घुटने टेक दिए मगध के आगे। अब अपनी पराजय के साथ साथ ये भी स्वीकार कर लो सेल्यूकस कि भारत पर शासन करने योग्य सम्राट केवल मैं हूं। नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो कि पूरे भारत के राजा बन सको। यही वो क्षण है जिसकी मुझे कब से प्रतीक्षा थी। अच्छा हुआ जो तुम सामने आ गए। अब मगध की ध्वजा जलाने का दंड मैं तुम्हें स्वयं दूंगा। इच्छा तो तुम्हें, पर
तुम्हारे समस्त साम्राज्य को जलाकर भस्म करने की है। और वो आज मैं अवश्य करूंगा। सम्राट को सुरक्षित करो, शीघ्र रोको इस सिपाही को। छोड़ो मुझे। चलिए मामा, छोड़ो। आचार्य, ये क्या हो रहा है? युद्ध नियमों में सूर्यास्त के साथ ही युद्ध पर विराम लगा दिया जाता है। अब ये युद्ध कल प्रातः आरंभ होगा और आशा करता कि कल का सूर्यास्त इन तीनों अत्याचारी राजाओं का अंतिम सूर्यास्त होगा और कल का सूर्य भारत का उज्जवल स्वर्णिम भाग्य लेकर उदय होगा। छोड़ दो, चलिए आज मैं इसका अंत करके रहूंगा।